देखिए ट्रेंड इस बार साफ है और इस बार ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इस ट्रेंड में भी किस तरीके से अपने नुकसान को कम करें और अपने मुनाफों को बढ़ाएं और अगले हफ्ते की तैयारी करें, उसके लिए हमारे साथ पूरी रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के विवेक कारवा। विवेक, कैसे देखते हैं इस हफ्ते को? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट, आप कहते थे कि मार्केट्स फाइट बैक कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी है, ये तो एकदम सिंगल डायरेक्शनल फॉल की बात कर रहे हैं हम इस हफ्ते में। उत्कर्ष, देखिए मतलब मार्केट इस हफ्ते जो हमने देखा है वो एक तरीके का समझ लो ब्लड बाथ था। और मुझे लगता है कि जब तक ये इंटरेस्ट रेट का सेटलमेंट नहीं हो जाए, मतलब जब तक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन नहीं बोल दे कि हाँ अब हम यहाँ से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मार्केट ऐसे ही चलने वाला है और मार्केट ऑन द एज रहेगा। आज जैसे आज शाम को भी करीबन 6:30 पौने 7 बजे फेड चेयरमैन का एक भाषण है और उसमें उस लैंग्वेज को देख के पता चलेगा कि अगले हफ्ते मार्केट वापस ऐसे ही एक साइड डाउन जाने वाला है या फिर यहाँ से रिकवरी दे सकता है। तो अभी जैसे डाउ फ्यूचर्स वगैरह हम देख रहे हैं तो थोड़े बहुत ग्रीन में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन है मार्केट में। और सबसे बड़ी आज ये सोच प्रक्रिया ये चल रही है कि मार्केट जो इन्फ्लेशन से डर रहा है और वो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, खाली रिटेल साइड इन्फ्लेशन नहीं है। तो फेड रिजर्व है या फिर आरबीआई है, जो भी सेंट्रल बैंक्स है, ये किस किस हद तक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये आज का भाषा वापस शाम को थोड़ा बहुत से अग्रेसिव आती है तो मार्केट ऑन दी एज ही रहने वाला है। और मुझे लगता है कि जैसे ही इस हफ्ते देखा है तो अगले हफ्ते हम लोग नेगेटिव रहा तो करीबन 15,000 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि भाई, एक तो इन्फ्लेशन का जो ट्रिगर है वो दोनों तरफ है, इन्फ्लेशन की जो कंसर्न्स हैं वो हिंदुस्तान में भी हैं और इन्फ्लेशन की जो कंसर्न्स हैं वो बाहर भी हैं, लेकिन आपको जो इस हफ्ते का मूवमेंट दिखा है या आगे आने वाले हफ्तों में जब हम ट्रिगर्स की बात करते हैं, हम अगले हफ्ते की तैयारी की बात करते हैं, क्या ग्लोबल फैक्टर्स ये पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी इसके साथ हैं? देखिए, ज्यादातर आज के दिन हम लोग ग्लोबल फैक्टर्स पे ही रिएक्ट कर रहे हैं। पहले तो रात को देखते हैं कि डो जोन्स कैसे मूव हुआ और अमेरिकन मार्केट ने क्या किया, और फिर जो अपने मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो पूरा का पूरा एफआईआई बाइंग और सेलिंग कर रहा है। तो बाइंग तो अभी एकदम ही ड्राई अप हो गया है, तो सेलिंग ही चल रहा है। तो पिछले कुछ महीनों में से करीबन मतलब एफआईआई ने इतनी सेलिंग की है और ये फैक्टर आगे चल के भी जारी रहेगा। अब डोमेस्टिक फैक्टर्स में ये होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो पिछले 2 साल में अंदर आए हैं, ये लोग कब तक पेशेंस रखते हैं, और ये जो आज के दिन हम लोग एसआईपी बुक साइज की वगैरह बात करते हैं, ये बुक साइज ऐसे ही बनी रहेगी या फिर लोगों में पेशेंस मतलब कम होने के बाद ये बुक साइज में कमी या कटौती आती है। तो ग्लोबल फैक्टर्स पे ही डिपेंड करने वाले हैं। इंडिया में हाँ, एक दो नेगेटिव फैक्टर्स डेफिनेटली, एक तो इंटरेस्ट रेट का है जो आरबीआई ने बढ़ाया, और सबसे बड़ा नेगेटिव आज जो मुझे लग रहा है ये है कि मॉनसून जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, वो थोड़ा डेफिसिट साइड में चल रहा है। और जो मतलब रशिया में जो वॉर हुआ है, रशिया और यूक्रेन का, उसके कारण फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट यूक्रेन से एकदम ही बंद हो गया, ऑलमोस्ट ठप हो गया है। तो उसके कारण काफी कंट्रीज को प्रॉब्लम्स आने वाली है, और मुझे लग रहा है कि अगर मॉनसून थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर पिकअप नहीं करता है तो ये एक और नेगेटिव फैक्टर आगे चल के इंडिया के लिए हो सकता है। चलिए विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, अगले हफ्ते के लिए बाजार के क्या ट्रिगर्स हैं और क्या ट्रिगर्स होंगे ये जान लेते हैं। इनके लिए यूएस में देखिए 23 जून को बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे, वो बड़ा ट्रिगर है। यूके में 22 जून को सीपीआई और पीपीआई के आंकड़े जारी होंगे, ये बड़ा ट्रिगर है। चीन की बात करते हैं, चीन में 24 जून को बीओपी करंट अकाउंट, 21 जून को दोहा में आयटा की सालाना जनरल मीटिंग है, 23 जून को यूएई क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट पेश करेगी। ये सब जो है ये बड़े क्यूज हैं। विवेक, जानना चाहता हूँ इनमें से कौन से क्यूज पे सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? सबसे ज्यादा जितने भी जहां जहां से जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह ये सारे के सारे जीडीपी से संबंधित है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है। और जहां तक मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट अगर स्टेबल रहे और जीडीपी ग्रोथ को मार नहीं पड़े तो मेरे हिसाब से बाकी फैक्टर्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे चल के, अब अगले हफ्ते पता चलेगा नंबर्स क्या आते हैं, लेकिन हाँ जीडीपी और ग्रोथ रेट्स पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा।